सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको गिटहब सर्च करना पड़ेगा। जैसे आप गिटहब सर्च करते हैं, जो सबसे पहली वाली वेबसाइट आएगी आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पे आपका लॉगिन और साइनअप मांगेगा। मेरा पहले से ही लॉगिन है तो मेरा ये इंटरफेस दिखा रहा है। अगर आपका ये इंटरफेस नहीं दिखा रहा है तो आप पहले साइनअप करिएगा एंड देन लॉग इन करिएगा, तो आपको भी यही यूआई दिखाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये वाला यूआई ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्रिएट न्यू रिपॉजिटरी का ऑप्शन आ रहा होगा, तो हमको यहाँ पे जो आपको प्रोजेक्ट अपलोड करना है उसका एक नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक मूवी डेटाबेस करके मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं उसको डिप्लॉय करने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मूवी। तो मैंने यहाँ पे मूवी लिख दिया, मूवीज़ अवेलेबल आ गया है। अगर आप इसको प्राइवेट रखना है प्राइवेट रख सकते हैं, पब्लिक रखना है पब्लिक रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ही पब्लिक होता है। तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही चूज़ करा है। उसके बाद यहाँ पे आप एक रीड में फाइल ऐड कर सकते हैं, मुझे नहीं करनी है इसलिए मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट रिपॉजिटरी का आपको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ये वाला यूआई दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको ये वाला यूआई दिख रहा है। अब आपको इस पे बैक आ जाना है, जो आपका प्रोजेक्ट है आपको उसके ऊपर आ जाना है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है मूवी डेटाबेस कर, तो मैं यहाँ पे इसको अपने वीएस कोड पे खोल लूँगा। जैसे आप इसको वीएस कोड पे खोलते हो तो यहाँ पे आपको टर्मिनल पर आना है। टर्मिनल पे आने के बाद जैसे आप टर्मिनल पे आते हो यहाँ पे आपको शिफ्ट करना है और जो आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं आपको उसके हिसाब से चलना है। तो मेरा भी यहाँ पे मेन लिखा है तो मैं यहाँ पे मेन ही लिखा रहेगा। तो अगर आपका ही मेन आ रहा है तो ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किट इनिट करना है, किट INIT किट इनिट कर दिया। आपका भी सेम ऐसा आ रहा होगा। उसके आने के बाद आपको अपनी रीडमी फाइल ऐड करनी है, तो आप इधर से ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करनी है तो आपको रहने दीजिएगा। किट इनिट के बाद यहाँ पे आपको गेट एड डॉट करके कमांड होती है, वो चलाना पड़ेगा। गेट गेट एड डॉट करके कमांड होती है, वो चला देती है मैंने। तो ये मेरा ऐसा आ गया। एंड देन यहाँ पे आपको गेट कमिट हाइफन एम, एम का मतलब होता है मैसेज, एंड फर्स्ट कमिट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट कमिट हाइफन एम फर्स्ट SSGE मैसेज एंड देन क्लोज। जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया। एंड देन उसके बाद आपको ये जो गेट रिमोट एड ओरिजिन ये एक वहाँ पे लिंक शो हो रही होगी, आपको उसको कॉपी करना है, यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर देना है, एंटर मार देना है। रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, मेरा ये पहले से ही है इसलिए मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है, आपका नहीं है इसलिए आपको नहीं दिखाएगा। एंड देन किट पुश यू ओरिजिन कर, किट पुश यू ओरिजिन मेन करके जो कमांड है आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। जैसे आप कॉपी पेस्ट करते हो थोड़ा सा समय लेगा एंड देन आपका अपलोड जाएगा। जो आपका प्रोजेक्ट है और आप इसको वापस से जब रिलोड करोगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। मेरा यहाँ पे पहले से ही अपलोडेड है इसलिए मुझे ये शो नहीं हो रहा है। आपका अपलोड हो जाएगा तो वो आपको शो हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक